हाँ जी, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर तो एक ब्रांड न्यू लाइव क्लास दे विच। मैं अंकुश, पूरी गुरुकुल दी टीम वालों तुहाडा जी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उत्ते स्वागत करता हाँ। सो जी, एक संडे की छोटी जी प्यारी जी ब्रेक तो बाद आप फिर हाजिर हुए हाँ अज के एक होर नवे लाइव सैक्शन के। सो जी, अज भी आप कुछ नवे MCQs लैके आए हाँ पोलिटी सबजैक्ट के रिलेटिड। सो जी, जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर दो बचो तो क्लास के हाजिर हो जाओ। हाँ जी, क्लास के जल्दी हाजिर हो जाओ फिर जो है आप क्लास स्टार्ट करते हाँ। गुड आफ्टरनून। हैलो जी बाबू जी, आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। हाँ जी, जेडे भी बच्चे तुहाडे दोस्त हैं, फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, जल्दी लिंक उन्होंने शेयर कर दो फिर अपनी क्लास स्टार्ट हो जा रही है अगले 2 मिनटों के जल्दी जल्दी। हाँ जी, सो जी जेडे पहुँच चुके हैं हाजिरी लगवा दो एक बार लाइक करके वीडियो नूं। करिए शुरू फिर नवे लैक्चर दी। हाँ जी, आवाज़ आ रही है एक बार जो है कमेंट करके दस दियो कि आवाज़ ते वीडियो सही पहुँच रही है तुहाडे तक, एक बार कमेंट करके दस दियो फिर आपां क्लास स्टार्ट करते हैं अगे। हाँ जी, सही आ रही है। चलो फिर राजे आपां अज दी जो सीरीज है MCQ दी शुरू करते हाँ। 11th अज अपना लैक्चर है, लगातार 10 दिन हो चुके ने आपां नूं MCQs लाउंदे होए। सो ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सैलीबरेटिड इन इंडिया, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। सो जी, सिंपल जिहा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसका जवाब दे दिओ, किस दिन आपां संविधान दिवस मनाउंदे हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे। हाँ जी, जल्दी जल्दी जवाब आते हो राजे, बिल्कुल सौखा जहा क्वेश्चन है। अज अपनी क्लास जो है थोड़ी जल्दी लग रही है, अदरवाइज अपनी क्लास जो है उसका समा लेट है, पर आई थिंक हूँ तो शेड्यूल अपना यही रहेगा, 1 बजे या 1:10 से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी। ठीक है, हाँ जी, डी बिल्कुल जी, 26 नवंबर इज द राइट आंसर है राजे। जिन्होंने भी 26 नवंबर लगाया है सही उत्तर है तुहाडा। 26 नवंबर आप सारे जानते हाँ कि अपने संविधान के बनन च किन्ना समा लग्या सी, 2 साल 11 मंथ 18 डेज। सो इन्ने दिनों तो बाद 26 नवंबर सन 1949 नूं अपना संविधान बन के तैयार हो गया सी, जिस दिन आप मनाते हाँ कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो 26 जनवरी नूं लागू हो गया सी 1950 नूं, उस दिन मनाते हाँ रिपब्लिक डे जिस दिन लागू होया सी। बहुत वधिया जी, बिल्कुल सौखा क्वेश्चन सी, सारयां दा लाजवाब उत्तर है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश इन, कि जिहड़ा अपना मूल संविधान सी जिहड़ा बनिया सी उस प्रकाशित कित्थे कीता गया सी, प्रकाशित पब्लिश्ड कित्थे होया सी। चार तुहाडे सामने हैगे है जी थावां, दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर या देहरादून। हाँ जी, की इसका सही जवाब है जल्दी दसो, किहड़ा सही उत्तर है। भी साइंस दी क्लास कदों लगेगी आकाश जी, थोड़ा जिहा टाइम टेबल जो है चेंज हो चुके है, सो साइंस दी भी लगेगी क्लास, जरूर लगेगी। ठीक है, अपने लैक्चर तो बाद हो सकता है चेंज हो गया होवे, बाद च साइंस दी लगेगी। सर अज पंजाबी दी क्लास नहीं लगनी, लगेगी राजे जी, रजनी जी लगेगी क्लास, बिल्कुल लगेगी राजे। थोड़ा जिहा शेड्यूल चेंज कर दिता गया, परिवर्तन आ गए ने, सो टेंशन नहीं किसी गल की। बहुत बच्चे दिल्ली लगा रहे हैं एज आई एक्सपैक्टेड, मैनू पता सी बहुत बच्चे दिल्ली ही लगाउणगे, आई थिंक सारिया ने गैस लगाया है। जेकर सारिया ने गैस लगाया है तो जी सारे गलत हो राजे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं है, देहरादून में होया सी प्रकाशित। मैं कहा द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वॉज पब्लिश इन देहरादून में पब्लिश होया सी। ठीक है, सही उत्तर याद कर लो भी, देहरादून है राइट आंसर, ना कि दिल्ली। Which of the following country has an non-written constitution? हेठ दिते देशों विचों किसदा एक अनलिखित संविधान है, किसदा संविधान अनलिखित है भी, अनरिटन। ठीक है, इन्होंने पूछा नॉन रिटन, तुसीं अनरिटन कर लेना कोई चक्कर नहीं, अनरिटन किसदा संविधान है भी, अनरिटन।
तुक्का लाया जी, कोई गल नहीं राजे, तुक्के अक्सर पार नहीं लगाते, सो पढ़ के जाया करो, अज पढ़ लिया है, सो इसका राइट आंसर दो भी। देखो सौखा जहा क्वेश्चन है, बी ते डी नू लोक करने लई कह रहे ने, मुस्कान जी कह रहे ने कि डी केड़ी केड़ी ऑप्शन नू लोक किया जाए, जल्दी इसका जवाब दो। सो जिहड़े बच्चे भी आ रहे ने जुड़ रहे ने चैनल ते, सो पहला काम जी लाइक का करते जाओ, एक लाइक बटन जो है उसनों हिट कर दो, जिन्होंने अजे तक लाइक नहीं की वीडियो, अगर क्वेश्चन वधिया लगन तो प्लीज लाइक जरूर करो, ठीक है। हाँ जी, सो जी बहुत बच्चों के सही जवाब भी हैं, बिल्कुल बी 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 बी, ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। जिन्होंने भी यूके कहा है, यूके का संविधान जो है अनलिखित है, अनलिखित यानी पूरा डिफाइन नहीं किया, हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अनलिखित है तो कुछ भी नहीं लिखा होया, कुछ है थोड़ा बहुत है, पर प्रथावां ते ज़्यादा आधारित है, किस ते ज़्यादा आधारित है, रिचुअल्स ते प्रथावां ते। रीजन इसका मैं अक्सर क्लास में भी दसिया सी, जिन्हें बच्चों ने भी पेड कोर्सिज लिया होया है उन्होंने पता होगा कि इन्हों का की सिस्टम है, कि अज जज बैठा है उसने जो सजा सुना दिती किसी जुर्म की, वह प्रथा चल पेगी, फिर कदे हो सकता है काफ़ी सालों बाद किसी जज ने वो सज़ा होर बदल दे, फिर वह प्रथा चल पवेगी, ठीक है। सो इस तरह यह प्रथावां ते आधारित है, अपना जिवें लिखा होया उस तरह पूरा डिफाइंड नहीं है, वैल डिफाइंड नहीं है, थोड़ा बहुत कह सकते हो हैडिंग्स लिखिया हुई ने, ज़्यादा नहीं, सब तो पुराना है जी। हाँ बिल्कुल जी। सो अगला है जी फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी तो बाद यानी आजाद भारत में पहला वित्त मंत्री कौन सी, आर के सनमुखम चेती चिते अली खान जॉन या सत्यनारायण सिन्हा। हाँ जी जल्दी जल्दी राजे, जिन्होंने अजे तक लिंक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों नू लिंक शेयर करो, तो उन्होंने कहो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पोल्टी दे बड़े ही अज मैं जरूरी कुछ कंसैप्ट लैके आया सी, सो सारे प्लीज जल्दी लाइव हो जाओ। फोर्थ द सी कह रहे हैं जी जॉन, चीटिंग नहीं करनी राजे। हाँ जी लाइक राजे नाल दे नाल वीडियो नू करते रहो, वीडियो का जो लाइक बटन है वह रुकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन तुहाडे सामने है कि पहले आजाद भारत का वित्त मंत्री कौन सी, सर नहीं पता, बहुत वधिया जी रजनी जी इमानदारी है, मेरी सैकेंड क्लास है जी आज सर, बहुत वधिया मुस्कान जी तुहाडा स्वागत है जी, इसी तरह डेली हाजिर हो, पिछे अपने आई थिंक 10 लैक्चर अपलोड हो चुके ने, अज अपना 11वां लैक्चर है MCQs का, सो तुसी प्लीज मस्त सारे नू बेनती है कि जरूर देखना वीडियो, काफ़ी जरूरी जरूर आप कह सकते हो महत्वपूर्ण उस विच MCQ किए हैं, जिहड़े बच्चे पहले दिन तो ही अपने नाल जुड़े हुए ने जी बहुत बहुत धन्यवाद इन्ने प्यार दे लई। सो जी इसका मैं राइट आंसर दस देना हाँ, राइट आंसर है ए ऑप्शन, आर के सनमुखम चिते, ये अपने पहले वित्त मंत्री सी, ठीक है। एग्जाम के नज़दीक आके आपू इस तरह के ही MCQs ही हैल्प करते हैं एग्जाम के, सो जे बच्चे ने ए ऑप्शन लगाई थी बिल्कुल सही है जी, मैं देख रहा हाँ डी ऑप्शन बहुत बच्चे लगा रहे थे। देश का सब तो उच्चा कानून कहड़ा है भी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड, या अपना सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या सिविल प्रोसीजर कोड, या फोर्थ ऑप्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो कि चीज़ है जो सब तो उच्चा कानून है अपने देश का। हाँ जी हाँ जी जल्दी जवाब दो राजे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, मैं फिर कह रहा बच्चे काफी लाइव ने भी लाइक विच बहुत कंजूसी करते बच्चे। हाँ जी बहुत बच्चे भी बड़े लाजवाब उत्तर दे रहे हैं जी, काफ़ी होशियार टीम है साढ़े को, मैं देख रहा बहुत ही अच्छे सियाने बच्चे जुड़े हुए हैं, मेहनती तो काफ़ी ईमानदार भी हैं, मैं देख रहा अगर नहीं आता बच्चे कह देंगे भी सानू नहीं आता, सो कोई गल नहीं एक बार ट्राई करके देखा करो, अगर गलत होंगे जी सही करूँ खड़े हाँ तो हर पल लई
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਉੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿਆ ਲਾਈਕ ਸਿਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ, USA ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਰਿਟਨ ਅਨਰਿਟਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਲਾਜਵਾਬ ਲਾਜਵਾਬ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਗਨੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, USA ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ USA ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਹੈ, ਕੁਆਇਸੀ ਯਾਨੀ ਅਰਧ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਰੀ ਯਾਨੀ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਲਦੀ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀ, 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਪੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਲਾਜਵਾਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜੀ? ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਐਡ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ 200 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਕੜ ਕਰ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਡ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਏ, ਤਾਂ ਜੀ ਏ ਇਕੱਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਸੰਘੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਨੀਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁਐਜ਼ੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਘ ਤਾਂ ਹੈ, 28 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਕਸਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਫੈਡਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨੇਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨੇਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਓਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖਤੀ ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਆਇਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੁਆਇਜ਼ੀ ਅਰਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਯੂਨੇਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ, ਨੋਰਵੇ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੋਟ ਕੰਸੀਡਰਡ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ 28 ਰਾਜ ਕਿਹਾ, ਸਰ 29 ਹੈ ਜਾਂ 28? 28 ਨੇ ਰਾਜੇ, 29 ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਏ? 29 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 28 ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਟਰੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਲਾਜਵਾਬ, ਲਾਜਵਾਬ ਜੀ, ਲਾਜਵਾਬ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ, ਜੋ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨਾਰਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ MCQs ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ MCQs ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਘੰਟੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 1 ਵਜੇ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈੱਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ MCQs ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀਆਂ ਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਸੈਂਟਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟਿਡ, ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਗਠਨ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜੇ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਰ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ। 9th C 1921 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਏਕਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੀ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ 1920 ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 1921 ਦਾ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਮੈਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਜੋ ਹੈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ ਉਸਦੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਸਮਝਿਓ,
क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ियो, मैं फिर कह रहा भी केंद्रीय अपनी विधानसभा दे लैजिस्लेचर दे पहले भारतीय प्रधान कौन सन? हाँ जी गगनदीप जी, नाम क्यों मेंशन कर रहे हो, एवं कोई वायरल ना कर दियो भी, किसी बच्चे का ना पर्सनल चैट ना करया करो, जिन्ना बच्चों के राइट हो रहा जी क्या बातें ने, एक बार राइट हो रहा है गलत हो रहा है दो कॉलम बना लो या एक बना लो जिहड़े सही हो रहे या गलत हो रहे हैं, लास्ट विच तुहाडे एक टोटल नंबर देखे जाणगे। अगर अच्छा इवें ही होया तो असी कुछ फ्यूचर प्लैन सोच रखे ने, ठीक है, तो उस बारे जरूर विचार करांगे। हाँ जी बहुत बढ़िया जी, लाजवाब उत्तर है सारे बच्चों के, ऑलमोस्ट कह रहे हैं विठल भाई पटेल, सी ऑप्शन लगा रहे हैं। सो जी बिल्कुल सही करार दिता जाता है जी, सी ऑप्शन राइट है तुहाडी, भाई पटेल बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देख लेंगे हैं क्वेश्चन 11th, हेठ लिखियां विच्चों केड़ा देश सरकार दे संघी रूप का आनंद लैंदा है? चाइना, USA, क्यूबा या बेलजियम? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इनजॉयज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? केड़ा हेठ लिखियां दे जो है देशां या सरकार दे संघी रूप दा आनंद लैंदा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इस बार इन्होंने की दिता है सिर्फ फेडरल, ध्यान रखियो संघी रूप, ठीक है, सो ध्यान नाल ऑप्शन लगायो। हाँ जी 10th दा सी क्यूबा, अच्छे डाउट आ रहे हैं बच्चे डी ते बी विच कन्फ्यूज ने, लो जी दो ऑप्शन नू मैं लॉक कर देना, डबल डिप दिती जांदी है, सो तुसी अच्छे कह सकते हो रकम वाले सवाल ते पहुंच चुके हो, इत्थों अगर डिगे तो वापस नीचे आ जाओगे 2000 ते, ठीक है, अगर इत्थों नीचे आए तो 2000 ते आ जाओगे, अच्छी खासी रकम वाला सवाल है, सो गवाओ ना इसनू, आउन दो सही जवाब, अच्छा बी, सो जी बच्चे जीत चुके ने जिन्होंने लगाई है ऑप्शन बी राइट है जी, USA, USA देखो बहुत सारे राज्यों का एक संघ है, इन्हां विच समझौता होया है, ठीक है, इत्थे दोहरी नागरिकता भी वेखण नूं मिलदी है, अगर कोई बंदा कह दिंदा है भी मैं वाशिंगटन की नाम लैंदे है किसी स्टेट की नागरिकता है तो वह यह भी कहिंदा भी मैं अमेरिका का भी नागरिक हाँ, ठीक है, मैं न्यूयॉर्क का नागरिक हाँ, मैं अमेरिका का भी नागरिक हाँ, दो जो है उन्हों दोहरी नागरिकता कहते हैं, सो USA एक फैडरल फॉर्म वाला है। सो 12th क्वेश्चन है स्थानक शासन किस दी बुनियाद है? लोकल गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ, स्थानक शासन किस दी बुनियाद है, इलाइट सिस्टम दी, सैकुलरेट, डेमोक्रेसी दी या रिजर्वेशन दी? क्या बात है जी, रातों राती करोड़पति बनने वाले सवाल आ रहे हैं, सो नाल दे नाल लाजवाब उत्तर होने चाहिए ने, ते भी सवाल पसंद आ रहे हैं तो लाइक अपने आप हो जाने चाहिए ने, ठीक है, हाथ जो है अपने आप लाइक बटन दे जाना चाहिए जिन्होंने अजे तक लाइक नहीं कीती। सी ऑप्शन बच्चे बहुत डेमोक्रेसी कह रहे हैं भी, स्थानक शासन किस दी बुनियाद है? हाँ जी बिल्कुल जी, जेड़े बच्चों ने ऑप्शन लगाई है सी ओ बिल्कुल सही हैं, 12th का सी है जी राइट आंसर, डेमोक्रेसी, ठीक है, ये इसकी बुनियाद है स्थानक शासन दी, लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस दी पछाण है जी। अगे करते हैं, इन दी इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडोप्टिड फ्रॉम, आप अगे गल कर भी चुके हाँ भी अपनी जो इंडिया की है कि फॉर्म है जी, फैडरल, फैडरल ते यूनिटरी, ये आप ऑलरेडी कर चुके हाँ, मैं दस्या सी अपना राज्यां दा संघ ता है पर इकैरी नागरिकता भी है,
फैडरल दी आपां एग्जाम्पल कर ली सी यूएसए तो है सोर्स, पर इन्हां ने पुछया सिटीजनशिप, सिटीजनशिप इकली जो नागरिकता है ये वाली कितों सोर्स लिया गया है। ऑनलाइन मैं करवाया भी सी बच्चों नूं, सो जिहड़े बच्चे पेड कोर्सिस वाले ने भी उन्होंने राइट आंसर आने चाहिए लाजमी तौर पर, मैनूं कल्ले कल्ले बच्चे का नाम याद है, ठीक है। सो गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, खास करके जिन्होंने पेड कोर्स लै रख्या है बच्चों के गलत नहीं होने चाहिए जवाब। सो जी इस दे नाल ही जल्दी जल्दी जवाब दो, फिर आप राइट ऑप्शन क्लिक करनी है। हाँ जी कैनेडा भी लगा रहे बच्चे सी, बहुत 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 जो है गलत उत्तर आ रहे हैं राजे, सी नहीं आवेगा, कैनेडा नहीं है, इसका आंसर कैनेडा नहीं है, राइट आंसर है 13 का ए इंग्लैंड। मैं दस्या फेडरल कितों लई गई है यूएसए तो, यूएसए तो गई है फेडरल, तो यूनिटरी कितों है जिथों आपां नूं इकहरी नागरिकता मिलती है, इंग्लैंड है इसका राइट आंसर, ठीक है ए ऑप्शन है। जिहड़े बच्चों के गलत हैं क्वेश्चन नोट कर लियो, अगे कर लेंदे हैं भी द इंपीचमेंट प्रोसैस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज अडोप्टिड फ्रॉम, हुण आपां प्रेजिडेंट के खिलाफ महादोष मुकदमा चलाना है, यानी उसनू हटाउण दे लई आपां नू कोई उस तो प्रॉब्लम है, उसने कोई संविधान आपां हुण इंपीचमेंट चलानी है, इंपीचमेंट प्रोसैस चलाउणा है, तां किहड़े देश तो यह सोर्स लिया गया है, किहड़े देश तो यह प्रक्रिया अपनाई गई है, कि यूएसए तो, कि यूके तो, रशिया यूएसएसआर या फ्रांस तो, जल्दी इसका उत्तर आउण दिओ, बिल्कुल सौखा क्वेश्चन है। कोर्स के विच मैं दस्या भी सी भी आपां किहड़े किहड़े देशों तो किहड़ा किहड़ा कानून लिया है, उस विच मैं डिस्कस भी किया सी ये पॉइंट, ठीक है। सो इस तरह के ही क्वेश्चन तुहानू एग्जाम दे विच देखण नू मिलते हैं, सो प्लीज़ इसका राइट आंसर दो। हाँ जी क्या बात है जी अभिषेक जी शर्मा, बहुत वधिया लाजवाब जी, बच्चे ने आर्टिकल भी दस्या है, क्या बात है, इवें ही तैयारी जारी रखियो, ठीक है, अपनी पकड़ जो है इसी तरह मौजूद रखियो राजे, आप तुहानू क्वेश्चन दे बारे डीप तो डीप कंसैप्ट भी पता होना चाहिए, सिर्फ तुसी इन्नी तक ही सीमित नहीं रहना, इस दे पिछे होर भी बहुत गल्लां होंदियां ने, वो तुहानू पेड कोर्सिस दे विच लगातार मैं दसदा रहांगा। हाँ जी बी ऑप्शन बच्चे यूके कह रहे हैं जी, ए ते बी दो विचों बच्चे डाउट चल रहे ने, पर सानू जवाब चाहिए एक, डबल डीप तुसी ऑलरेडी गवा चुके हो, इस क्वेश्चन तो अगर डिगे तो फिर 2000 ते आ जाओगे। मैं पहला कहा है असी जिहड़ा करोड़पति खेड खेड रहे हैं ना, इस दे विच कोई पड़ाव नहीं है, तो सुई चलती रहती है टाइम वाली भी लगातार, जिहड़े बच्चे गलत दिंदे ने वह फिर 2000 ते आ जाते हैं, दोबारा तो उन्होंने शुरू करना पैंदा। सो पैसा अज तक वैसे मैं मौका नहीं मिले भी कोई करोड़ जित पाया, सारे जो है सही किसी के भी नहीं होए कदे, उम्मीद करदा आपां पहुंचांगे कदे उस दिन, पर इसकी राइट ऑप्शन है ए यूएसए, यूएसए तो यह आप सोर्स लिया भी आप प्रेजिडेंट नूं भी हटा सकते हाँ किवें इंपीचमेंट चला के। पर एक मैं छोटा जिहा क्वेश्चन दस जो है पुछना चाहुंदा तुहाडे कोलों, उह किहड़ा प्रेजिडेंट है जिस दे खिलाफ इंपीचमेंट चली सी ते आपां उसनूं हटाया सी, ओ केड़ा प्रेजिडेंट है, ओ केड़ा प्रेजिडेंट है, जल्दी इस क्वेश्चन मार्क का मैनू आंसर दो, उस प्रेजिडेंट का की नाम है जिसनों आप इंपीचमेंट चला के महादोष का मुकदमा चला के हटाया है, उस प्रेजिडेंट का नाम की सी, 14 डे पहला दसना पैंदा है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अभिषेक जी, 14 दिन पहला जो है उसमें दसना भी पैंदा है भी तेरे खिलाफ महादोष का मुकदमा आ रहा है। हाँ जी तो जिहड़े बच्चों क्वेश्चन वधिया लग रहे ने भी तो नवे जुड़े ने ना चैनल ते वो सबसक्राइब करना ना भुल्यो, तो दूजी गल लाइक करना ना भुल्यो, तीजी गल जो बैल आइकन है उसनू भी जरूर दबा लियो, ठीक है। ये छोटे छोटे काम ने, इसका कोई तुहानू फंड नहीं देना पैंदा। हाँ जी बच्चों के जवाब नहीं आ रहे, सिर्फ दो बच्चों ने ही जवाब दिते, कहिंदे आ कोई नहीं, अच्छा नोबडी है पक्का 100% लॉक कर दिता जाए, बच्चे कह रहे हैं जी अज तक किसी प्रेजिडेंट नू हटाया नहीं गया, देख लो भी पक्का नहीं हटाया गया। श्योरिटी चाहिए है सवाल दे विच, बिल्कुल जी अज तक
किसी भी प्रेजिडेंट नू नोबडी अज तक किसी भी प्रेजिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट नहीं आई तो ना ही किसी प्रेजिडेंट नू पद तो इस्तीफा दवाया गया या फिर उसनू हटाया गया। 15th क्वेश्चन कर लेने हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन, संविधान सभा की स्थापना कदों की गई। हाँ जी, संविधान सभा की स्थापना कदों की गई जी। लो जी, नैक्सट क्वेश्चन आ चुका है, कदों की गई सी संविधान सभा की स्थापना जी, जल्दी इसका उत्तर आन दो। क्या बात है जी, अभिषेक जी कह रहे बी, रजनी जी बी, बिल्कुल आन दो जवाब। क्या बात है, क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ जी, नाल दे नाल लाइक नू हिट करते रहो राजे, खुशी मिलती है तुहाडा प्यार देख के। सो अपना प्यार तुसी मैनू वीडियो नू लाइक करके दिखा सकते हो, ठीक है। जिहड़े भी बच्चे वीडियो नू पसंद कर रहे ने भी लाइक जरूर करियो। तो राइट ऑप्शन जी बिल्कुल सही है जी, लगभग बच्चों ने सही जवाब दिता है। 15 का है बी, 1946 इसका राइट आंसर है। इस तो बाद 1952 दे विच इलेक्शन होंदे है ते अपनी पार्लियामेंट भी बन गई सी। हाँ जी, वाह जी वाह, बहुत वधिया, बहुत वधिया, लाजवाब उत्तर है जी। इसे तरह तैयारी जारी रखो राजे, एग्जाम क्रैक करन तों तुहानू कोई नहीं रोक सकता। सो जी, पैनल ते तुहाडे सामने पूरा डाटा दिता होया, जिहड़े बच्चे साडे चैनल ते नवें जुड़े ने, ये साडा लोगो है जी प्ले स्टोर ते गुरुकुल अबोहर। इस ऐप नू डाउनलोड करोगे तुहानू मिलणगीआं साडे पूरे जिन्ने भी कोर्स असीं चला रहे हां, ITT कैडर, PS टैट, मास्टर कैडर, कॉमन एग्जाम, स्टेट एग्जाम। तो इस ऐप से कोई भी तुहानू क्वायरी आए, तुसी बैच लेना चाहते हो ऑनलाइन कोर्स, तो यह तुहाडे सामने नंबर दिता है 7453000046। सो इस ते तुसी कॉन्टैक्ट करके आपका सोल्यूशन लै सकते हो। क्वेश्चन आपां नैक्सट देख लैंदे हां, प्यारा जिहा की पुछिआ होइआ है वी किन्ने मैंबर ने इन द इंटरम पार्लीमेंट ऑफ इंडिया, किन्ने सी, सॉरी, भारत की अंतरिम संसद दे विच किन्ने मैंबर सी, आउन दिओ जवाब जल्दी। किन्ने मैंबर सी, हाँ जी, क्या बात है जी, की किरणा जी, वर्मा, अभिषेक, बहुत वधिया जी। इसे तरह तुसी जो है डीप आपदे कंसैप्ट नू डीप रखना है, तैयारी इस तरह ही रखनी है, आपां नू एग्जाम कौन फिर रोक सकता है, कोई औखा नहीं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत वधिया जी, 296। हाँ जी बिल्कुल जी, 296 ही इसका राइट आंसर है, लाजवाब उत्तर आ रहे हैं बच्चों के। बिल्कुल 296 मैंबर सी, जिन्हों के हैड कौन सी, इंटरम पार्लीमेंट के हैड कौन सी, किन्ना दे अंडर सी इंटरम पार्लीमेंट, एक मैनू जाते जाते इसका जवाब दे दिओ कि इंटरम पार्लीमेंट के प्रधान कौन सी। रजिंदर प्रसाद तो वह सी जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे सी उस टीम दे, पर मैं ये भी दस्या सी भी इंटरम पार्लीमेंट के प्रधान कौन सी। बहुत वधिया जी वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, पर थोड़ा लेट हो गए भी। हाँ जी, लाइक नू हिट करते रहो, तो इसका मैनू जवाब दो भी इसके प्रधान कौन सी इंटरम पार्लीमेंट के। जीवी मावलंकर, बिल्कुल जी, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये अपने इंटरम पार्लीमेंट के प्रधान सी मावलंकर, जिन्होंने लोग सभा या पार्लीमेंट के फादर भी कह दिता जाता है। बहुत वधिया जी, जिहड़े बच्चों नूं भी पता सी, बहुत लाजवाब है जी। इसे तरह तैयारी जारी रखियो, तो अज का जो समा है अपने लैक्चर का होर इजाजत नहीं दे रहा अपन, वरना होर भी क्वेश्चन आप जो है अगे करते, पर कोई गल नहीं, निराश नहीं होना, सवेरे मिलते हैं जी एक होर नवे लैक्चर दे विच, कुछ होर सोहने सोहने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस लैके। अगर अज की क्लास तुहानू पसंद आई है बच्चो, तो वीडियो नू जांदे जांदे सबसक्राइब करके जायो ते लाइक करके जायो। मिलते हैं इस दे नाल ही सवेरे एक होर नवे लैक्चर दे नाल, सोहने सोहने MCQs दे नाल। तद तक लई धन्नवाद, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।